और तुम्हारा मांस नहीं है? हाँ, दाढ़ी लाव वाढ़ोली है, काय करायचं? तुझी दाढ़ी दाखव. तुझी रे, याच्या मास्टरच्या आतमध्ये दाढी लपवत आहे. हां, एक सावधानमध्ये आहे का सगळे? सावधानमध्ये काय काय आपण करायचं आहे लवकर सांगा. सावधानमध्ये हाथ सिलाई के पीछे रहेगा. हाथ सिलाई के पीछे रहेगा. एड़ी से एड़ी चिपकी रहेगी. एड़ी से एड़ी चिपकी रहेगी. पांच से छह इंच का गैप रहेगा पंजे में. पंजे में छह इंच का गैप. और सर सर्वमीज बोलूंगा. मूड बंद. मूड बंद, ऐसा मूड बंद करके और नीचे तक जाएगा ऐसा है क्या? देखो, मूड बंद करके ये हाथ इधर, ऐसा ये हाथ इधर टेढ़ा, और पूरा हाथ क्या रहेगा? बॉडी को सटा रहेगा, चिपका रहेगा बॉडी को, ऐसा टाट टाइट, छाती आगे. ओके, है सब लोग बराबर? छः इंच का गैप एड़ी में, छः इंच का गैप एड़ी, और वो एक एक पैर उधर तक गए, कहाँ तक गए? हाँ, बीच में रहना चाहिए ऐसा. देखो जूते कैसे होना चाहिए हमारे, कैसे होना चाहिए, ऐसे पॉलिश किए हुए. हाँ, सब दिखाई देते हैं सबको, हमेशा जूता पॉलिश होना चाहिए. अभी हमको विश्राम में जाना है. हमारा पैर कौन सा उठा रहेगा, उठेगा कौन सा उठेगा? हाँ, डावा. डावा कहाँ तक? यहाँ तक दिखाओ. यहाँ तक हमारा पैर उठेगा. और पटके का कहाँ पे, कहाँ पे पटकेगा? डावा बाजूला. हाँ, डावे बाजूला. डावे कितना अंतर कितना रहेगा? 12 से 13. हाँ, 12 से 13. चल, एडी में 12 इंच का गैप रहेगा और पंजे में 16 इंच का गैप. विश्राम में हमेशा एडी में 12 इंच और पंजे में, अभी ये एडी 12 इंच हो गया एडी में, और पंजे में 16 इंच, तो दो इधर और दो इधर, कितना हो गया? 16 इंच. समझ गए? ठीक है, उस तरह से आपको. और हार कैसा रहेगा पीछे, और राइट हैंड कहाँ पे रहेगा? ऊपर. समझ गए? ऐसे राइट हैंड ऐसा रहेगा, और हार नीचे की तरफ जाएगा, नीचे, इसमें गैप नहीं रहेगा. ठीक है, प्लेट एक साथ विश्रम आ गया. एडी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच. अभी एडी में 12 है तो सीधा ही है ना तुम्हारा पैर. थोड़ा लेफ्ट और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, दो दो इंच पंजे में गैप रहेगा तो हम लोग विश्राम में पोजीशन में. ठीक है, सावधान पोजीशन में कैसे जाएंगे? वैसे ही हाथ ऊपर करके ये यहाँ तक आएगा और फिर बाद में ये पैर के बाजू में बराबर खड़ा रहेगा. राइट का पैर मुका मोमेंट होगा नहीं, और एडी से एडी मिला के हमको छः इंच का गैप रख के सावधान पोजीशन में हमको जाना है. ठीक है, प्रेड एक साथ सावधान है, छः इंच का गैप. हाँ, एडी से एडी मिली हुई, मूड बंद करके ये, मूड बंद करके ये अंगूठा ऊपर से आएगा. हाँ, और ये इधर तक अंदर तक जाएगा. मूड ऐसा बंद होएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इधर तक, और ऊपर से मूड बंद करके आपको क्या करना है, और हाथ को मूड को इस तरह से टेढ़ा करना है. ठीक है, प्रेड एक साथ विश्रम. पीछे से हाथ पीछे की तरफ, प्रेड एक साथ
बम। अभी हमको दाएं मुड़ना है, कहाँ पे? दाएं, दाएं मतलब राइट साइड। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन बस इतना ही, समझ गए? स्टेप टू ये इस तरह से रहेगा, बराबर। ये टच के ऊपर खड़ा रहेगा, टच सेकंड नंबर, और फिर बाद में ये ऊपर लेके सावधान पोजीशन में वापस आएंगे। ये सावधान ऐसा एडजस्ट करके आपको मारा, एक दो तीन, ठीक है, समझ गए? स्टेप वन में ऐसा रहेगा चेंज। अब ये सावधान पोजीशन में ऐसे रहते हम लोग, बराबर कि नहीं? और फिर बाद में ये पैर फिर ऐसे यहाँ पे आएगा और ऐसा खड़ा रहेगा, और फिर बाद में यहाँ पे आके ये पोजीशन में सावधान पोजीशन की तरफ इस तरह से आएगा, समझ गए? ठीक है, समझ में आया? दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, सिर्फ वन, वन बोला, दूसरा पैर क्यों क्यों घुमा रहे? खड़े रहो फटाफट, देखना किधर है, सामने ही देखना, इधर मेरी तरफ ही, समझ गए? सावधान पोजीशन में है, मुड़ बंद है, अंगूठा ऐसा बंद है, हाँ। स्टेप टू में दूसरा पैर को हमको पंजे से घुमाना है और दाएं की तरफ, और सीधा देखना है, पैर एकदम टाइट रहेगा, फोल्ड नहीं रहेगा ढोपरे पे, टाइट। अरे ढोपरे पे क्यों पेंड है? हाँ ऐसा टाइट, और टाइट, हाँ। और झुकना नहीं है हमको, स्ट्रेट रहना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगा, ये बॉडी है ना, ये स्ट्रेट ही रहेगा, पेट आगे करके ऐसा नहीं है, समझ गए? कमर सीधा रहेगी, ये लेन, ठीक है। अभी हम लोग सावधान पोजीशन में हो, बराबर कि नहीं? सिलाई के पीछे है, देखो हाथ है क्या सबका, हाथ हिलना ही नहीं चाहिए। स्टेप नंबर थ्री है क्या, बराबर सब सावधान पोजीशन में, एडी से एडी मिली हुई, पंजे में 6 इंच का गैप, उसी तरह हम लोग आ गए, बराबर। अभी क्या करना हमको, वापस दाएं मुड़े, वापस बाएं मुड़ने का है, समझ गए? अभी बाएं मुड़ने के लिए, पहला स्टेप नंबर वन क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, बराबर है? मूवमेंट तुम्हारा खाली पैर का रहेगा, खाली एडी हिलेगी, एडी से एडी की दिशा बदलेगी, एडी से दिशा बदलेगी और दाएं की तरफ आएगी, यानी हम लोग ऐसे है बाएं की तरफ, यानी बाया किधर गया, इधर, तो ये एडी से यहाँ तक ही, जो सावधान पोजीशन में हम लोग ऐसे रहते, थोड़ा सा लेफ्ट करके ऐसा पैर रहेगा, और फिर बाद में इसको इस तरह से सेकंड, और फिर बाद में इसको ये करके सावधान पोजीशन में आएंगे, ठीक है, हाँ। अभी हमको बाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन बोलूँगा मैं, बाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, सिर्फ पूरा बॉडी घुमाना ही नहीं है तुमको, बॉडी को नहीं घुमाना है, खाली एडी को घुमाना है और सामने ही देखना है, और ऐसा घुमाना है। अभी ये देखो, जब मैं ये यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, सावधान पोजीशन में कैसा रहेगा, और घुमाओ, समझ गए? जितना घुमा सकते हो लेफ्ट साइड में, 6 इंच का गैप रहना चाहिए ना। अभी ये एडी तो ऐसे घुमाओगे, यहाँ तक रखोगे तो ऐसा रहोगे, तो 6 इंच गैप नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए, जैसे ये पोजीशन है तो इधर आना चाहिए, यानी अभी मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा यहाँ तक नहीं रहूँगा, ये तो सीधा हो गया, थोड़ा सा इधर, समझ गए? हाँ yes, अभी देखना किधर है, स्ट्रेट, तुम्हारा बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं होगा, अभी कौन सा है इधर देखना है, और पैर देखो कौन सा, लेफ्ट का पैर देखो, हाँ, और राइट का पैर, और राइट में, और थोड़ा समझ, और देखना स्ट्रेट, देखना है स्ट्रेट, कहाँ पे देखना है, थोड़ी स्ट्रेट देखना है मुझे, मेरे पास देखना है तुमको, यानी यहाँ बाद में दूसरा पैर हटेगा तब, ठीक है, मेरी तरफ देखना है, सब लोग उधर क्यों देख रहे हैं, अभी तुम लोग ऐसे थे ना, ऐसे थे ना, कैसे थे, इधर थे ना, पीछे थे, ऐसे थे ना, इधर देखेंगे ना, दूसरा घुमाएंगे ना, हाँ, फिर इधर देखो बराबर, स्ट्रेट देखा है, इधर देख रहा है,
सामने देखो, नजर सामने। स्टेप नंबर टू, अभी मूवमेंट हो गई बराबर, लेकिन हाथ देखो सबका, अभी हाथ कैसा है? हाथ पीछे स्ट्रेट नीचे तक जाना चाहिए, और ये मूड बंद करके इस तरह से रहेगा और ये चिपका रहेगा, ठीक है? दो हो गया बराबर। एडी से सब लोग कैसे है? अपना पंजे से, और पंजे को दबा के पैर खड़ा किया है ना ऊपर तक, और बॉडी स्ट्रेट। स्टेप थ्री, समझ गए? अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस दाएं मुड़ेंगे। कौन सा मुड़ेंगे? हाँ, सब लोग सावधान पोजीशन में हैं। अभी दाएं मुड़ने के लिए हम लोग कहाँ मुड़ेंगे? राइट में मुड़ेंगे, बराबर है? अभी हम यहाँ पे है इस तरह से, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन बोलूँगा मैं, तो मैं मेरे लिए दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन। देखा, देख रहा है मैं बॉडी हिला मेरा कुछ, खाली एडी से मैं दाएं की तरफ गया। स्टेप नंबर टू, ये मेरा पैर देखो टाइट है बराबर, इतना ही हिला, और उसके बाद में स्टेप थ्री, ये पोजिशन समझिए, सावधान पोजिशन में आएंगे, ठीक है? स्प्रेड सबके लिए, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन। तुम्हारा बॉडी नहीं हिलना चाहिए, खाली एडी एडी हिलना चाहिए, और मेरी तरफ ही देखना है, स्ट्रेट इधर ही देखना है। देख रहा है क्या गर्दन? देख, अभी इसका गर्दन सीधा है, गर्दन सीधा है, तुम्हारा गर्दन उधर है, त्रिकोण आ गया तुम्हारा इधर, समझ गए? तब जाके तुमको स्ट्रेस आएगा। जब भी हम लोग कैसे थे, ऐसे थे ना बरो, ऐसे रहेंगे और ये पैर पूरा रहेगा, तो जैसे मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा आएगा, तब तक मैं ये पैर को बराबर, ये आएगा प्रेस आएगा, क्या आएगा? पंजे को प्रेस आएगा, ठीक है? अभी अपने को पंजे से प्रेस करके उधर देखना है, ठीक है? स्टेप नंबर टू, हाथ एकदम स्ट्रेट ही रहेगा, नीचे तक जाएगा सिलाई के पीछे से, हाथ हिलेगा नहीं, वैसा ही जैसा है वैसा ही रहेगा। स्टेप नंबर थ्री, ठीक है? अभी हमको वापस दाएं मुड़ना है, यानी कहाँ पे? राइट साइड में, हाँ, और गर्दन बिर्दन कुछ नहीं हिलेगी, खाली पैर हिलेगा, वो भी छः इंच का गैप रहेगा वैसा, दाएं राइट में, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप नंबर वन। अरे सब पूरा गुआ, गर्दन बिर्दन हिलाने का ही देखना ही नहीं गर्दन की तरफ है। सब लोग स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन हो गया, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के टाइम हमारा पैर देखो, लेफ्ट का पैर को फोल्ड नहीं करना है घुटने में, सबका घुटने में पैर फोल्ड है, देखो सबका घुटने का पैर है ना, ये पीछे का ऐसा फोल्ड है, ऐसा नहीं रहेगा, ये पैर ऐसा ही रहेगा, बॉडी ऐसा सीधा और पैर ऐसा स्ट्रेट रहेगा, समझ गए? है क्या वैसा सबका? और मूड बंद करके सिलाई को टच करके ये हाथ रहेगा, ऐसा ऐसा ही रहेगा हाथ, समझ गए? जैसे ये एक हो गया और ये दो हो गया, समझ गए इतना। अभी स्टेप नंबर तीन में हमारा देखा, हाथ में गैप नहीं रहेगा, चिपका हुआ रहेगा बॉडी को। ये जूता क्यों फटा तुम्हारे? हाँ दिख रहा है उसमें ना। स्टेप नंबर थ्री, ठीक है? अभी वापस क्या करना है आपको, क्या करना है? स्टेप नंबर वन, दाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप नंबर वन, देखो वापस स्टेप नंबर वन, ये ऐसे रहेगा, देखो हिला कुछ, क्या हिला? फिर एडी से मेरा पैर हिला, वो भी स्ट्रेट है, देखो मेरा पैर स्ट्रेट है, तो मेरे को थोड़ा और इधर करना, समझ गए? और फिर बाद में मैं ऐसे आऊँगा, ये इतना ही हिलेगा, और फिर बाद में ये थर्ड स्टेप में ये मेरा ऐसे यहाँ पे चिपकेगा, ये हो गया मेरा छः इंच का गैप, ठीक है? ओके रेडी, रेडी क्या? अरे वो बाद में करो ना, क्या करो?
थोड़ा इधर आ जाओ सर, और कॉर्नर में, कॉर्नर में जाओ, और कॉर्नर में आ जाओ, इधर इधर आगे आ जाओ। हाँ तो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ ना, जो बटले आगे आ जाओ। इधर इधर तू तो सबसे बटली है, तू आगे आ जा, सब सही है। हंसो मत रे, मैं क्या बोलता हूँ उतना सुनो, खाली बोलने का कुछ नहीं, कोई किसी को खाली तुम्हारा एड़ी हिलेगा और पंजा हिलेगा, ठीक है? ओके, सब लोग सावधान पोजीशन में है अभी, सावधान पोजीशन में, सावधान पोजीशन में एड़ी से एड़ी मिली रहेगी आपके, एड़ी को देखो और पंजे को देखो, चेंज का गैप है क्या, और मूठ को देखो, हमारा मूठ इस तरह से अंदर तक बंद रहेगा और ऊपर से अंगूठा ये रहेगा और ये हाथ जो है ये ऐसे जाएगा नीचे तक की तरफ, यानी यहाँ पे जो है ये बॉडी को पूरा हमारा हाथ है ना ऐसा चिपका ही रहेगा, कोई ऐसा रखता है कोई ऐसा रखता है, तो ये ऐसा रहेगा और इधर तक जाएगा नीचे टेढ़ा, देखो ना ये है ना, ये चारों उंगली दिख रहा है, ये फोल्ड हुआ वो चिपकेगा चारों का चारों, और ये उसको ऊपर से बंद करेंगे, और इसको जो हाथ ऐसा सीधा है उसको इसमें करेंगे पीछे के साइड में, समझ गया क्या? यस सर। देखो फिर समझ आए तो किया क्यों नहीं, ये देख टेढ़ा बेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये चारों उंगली है ना, ये चारों चिपक रही है क्या आपने बॉडी को चिपकी है? हाँ ओके है क्या सब लोग? अभी आपको क्या करना है, दाएं मुंडे के लिए स्टेप वन, यानी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा बॉडी सीधा ही रहेगा, ये स्टेप वन के लिए मैं इतना ही घूमूंगा, घूम गया देखो मैं घूम गया, और फिर बाद में स्टेप टू के लिए मेरा ये पंजा ऐसा रहेगा, बस स्ट्रेट हो गया, अभी पंजा देखो मेरा और मेरा हाथ फोल्ड रहेगा, तुम्हारा ऐसा फोल्ड रहेगा, समझ गया? ऐसा नहीं होगा ऐसा, ठीक है? ओके सब लोग है बराबर, देखो हाथ हिल रहा है ऐसा है करके, आवाज़ भी आ रहा है, दाएं मुंडे के लिए स्टेप वन, हमको खाली हमारा पैर का एड़ी हिलाना है और बाकी इधर ही देखना है स्ट्रेट, एड़ी हिला के वो साइड में एकदम, दूसरा पैर हिलाना ही नहीं है। अभी क्या करना है, दूसरा पैर के पंजे से घुमा के, अभी देखो आपका पैर कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना, घुमाओ और थोड़ा, अभी तो स्ट्रेट हो गया, वो एड़ी को ऐसे रखना और थोड़ा ये पंजे से वो साइड में जाने दो, जब भी हम लोग ऐसे रहेंगे ऐसे आएगा पैर, तो पैर मेरा इधर तक ऐसा आना चाहिए, समझ गए? यानी 6 इंच का गैप रहेगा ना हमारा, है क्या सबका? तुम्हारा भी स्ट्रेट है, तुम्हारा तो इधर है, वो उधर तक जाने जाओ और वो साइड में, फिर बाद में हम लोग पैर हिलाते हैं, और थोड़ा तुम्हारा ये तो स्ट्रेट है, थोड़ा सा और स्ट्रेट दिख रहा है, देखो ना आपको खुद को दिखता रहेगा ना, स्ट्रेट नहीं रहेगा ना हमारा है, अभी तो अभी मैं स्ट्रेट ऐसा रखा है, तो मैं और ये पैर वापस ये रखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो एक पैर स्ट्रेट है तो थोड़ा सा इधर आना चाहिए ना, तब जाके 6 इंच का गैप होगा मिडल में, समझ गए? आ गया सबका, देखना इधर थोड़ा सा उधर घसीट और थोड़ा, अभी देखो ना अभी इसका कैसा, देखो ये कैसा गई उधर से, ठीक है वैसा, ओके अभी स्टेप नंबर 2, हाथ देखो क्या करके हिलना नहीं चाहिए, हाथ को हाथ वैसे ही चिपका रहना चाहिए बॉडी को, और मूड बंद करके वैसे ही सिलाई के पीछे ही रहेगा, कौन सा पैर आगे है तुम्हारा ऐसा क्यों है? राइट का पैर, अरे सर राइट का पैर, सबका राइट का पैर आगे है, अभी लेफ्ट का पैर को उठा के तुमको पटकना है, ठीक है? स्टेप नंबर 3 आ गया, फिर बाद में ऐसे सेटअप नहीं करने का, समझ गए? वापस दाएं मुंडे के लिए स्टेप 1, बस खाली पूरा गर्दन विर्दन बॉडी हिलाना ही नहीं है इसमें, पहले स्टेप में एडी को हिला के ऐसे पोजीशन में रख।